पहलवानों का दंगल अभी भी जारी है और इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी आ रही है सामने। इसी से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बताना चाहेंगे। पहलवानों के धरने का तीसरा दिन है आज और जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं खिलाड़ी। तीसरे दिन भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं पहलवानों की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है। पहलवानों की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने को लेकर यह नोटिस जारी किया है और बताना चाहेंगे कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पहलवानों का धरना तीसरे दिन भी जारी, तो बताना चाहेंगे कि जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं ये खिलाड़ी। दंगल पार्ट टू देखने को मिल रहा है इन पहलवानों का और तमाम खाप नेताओं का अब समर्थन मिलना भी इन पहलवानों को शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तो दंगल पार्ट टू का आज तीसरा दिन है। पहलवानों का दंगल देखने को मिल रहा है जंतर मंतर पर। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन पहलवानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वो जंतर मंतर और धरना करने से पीछे नहीं हटेंगे जंतर मंतर पर। और पहलवानों की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी अब तैयार हो चुका है। तो पहलवानों की अर्जी पर शुक्रवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूर ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज न करने को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिया है। करी थी जिसमें हमने डायरेक्शन मांगी थी कि अक्यूज्ड ब्रजभूषण सिंह शरण, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि 21 अप्रैल को शाम को कंप्लेंट दी थी। जो सारे ये ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप में जिनके गोल्ड मेडल्स आए हैं, कॉमनवेल्थ में जिसके गोल्ड मेडल आए हैं, वो सारी लड़कियां सामने आई हैं ये कहते हुए कि हमारे जो ये अक्यूज्ड है इसने हमें सेक्सुअली हेरेस किया है, मॉलेस्ट किया है, एक्सप्लॉइट किया है। इतने सीरियस एलिगेशंस के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, इसलिए ये सब रेसलर्स को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और आज कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है और अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर ना दर्ज करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा। तो स्पर्श, अभी की क्या कुछ तस्वीरें हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दे दिया है, तो क्या अब पहलवान इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उन्होंने धरने को खत्म करने का कुछ फैसला लिया है अभी? देखिए, अभी धरने को खत्म करने का फैसला नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा था, शुक्रवार को सुनवाई होगी। दो पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस की बात की जाए और दिल्ली सरकार की बात की जाए, इस वक्त तमाम जो प्रदर्शनकारी जो पहलवान है वो यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और आज खाप पंचायतों का समर्थन जो है वो भी इन तमाम पहलवानों को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो बजरंग पुनिया है उनकी बात की जाए, साक्षी मलिक की बात की जाए, विनेश फोगाट की बात की जाए, उसके अलावा जो अलग अलग खापे हैं वो यहाँ पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कल के मुकाबले जो भीड़ है वो आज ज्यादा यहाँ पर जो है सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और प्रदर्शनकारी पहलवानों की बात करें तो वो अभी जो है पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो मांग है उनकी, सीधे तौर पर बात करें कि जो WFI के अध्यक्ष हैं उनको जो है कहीं ना कहीं हटाना चाहिए, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आज अभी प्रदर्शनकारियों का जो है, पहलवानों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर कितना लंबा ये प्रदर्शन चलता हुआ नजर आएगा वो पहलवान भी ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके हम रणनीति जो है बनाते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर बाद हो सकता है कि पहलवानों की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखने को जो है सीधे तौर पर मिलती हुई जो है नजर आएगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं अगली रणनीति का खुलासा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा कि किस तरह की आगे की रणनीति जो है पहलवान बनाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, तो जैसा कि पहलवानों ने खाप नेताओं से, खाप पार्टियों से और तमाम पार्टियों से समर्थन की मांग की है, ऐसे में तमाम पार्टियों के नेताओं ने और खाप नेताओं ने वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है। कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, किन किन का समर्थन इन पहलवानों को मिलता हुआ?
देखिए अगर अभी खाप नेताओं की बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो सुंदर जो सरिंदर हैं वो यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं, उसके अलावा भी कई अन्य जो खाप नेता हैं वो यहाँ पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तैयारी है वो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर होती हुई जो है नजर आ रही है। लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है होती हुई जो है नजर आ सकती है। और अगर बात करें तो जो कल के मुकाबले भीड़ है वो भी इस वक्त जो है ज्यादा देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अब इस भीड़ का कितना असर सरकार पर देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पर देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कल की बात करते हैं तो कल जो स्पोर्ट्स जो साई है उनके कुछ अधिकारी लेवल के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है पहलवान से बात करने के लिए पहुंचते हुए जो है आए थे। लेकिन अभी चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की दिशा निर्देश जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्या सरकार जो है अब खिलाड़ियों से सीधे तौर पर बातचीत करती हुई नजर आएगी नहीं आएगी ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो FIR दर्ज करने की बात थी जिसको लेकर खिलाड़ी जो है रोष में नजर आ रहे थे, वो FIR क्या सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद जो है दर्ज होती हुई नजर आएगी ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श, तो ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने इस वक्त का एक बड़ा अपडेट बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और यहां तक कि दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है, तो क्या लगता है अब ये पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ? देखिए अब अगर बात करें तो शिकायत पहलवानों की तरफ से दी गई थी थाने में, शिकायत के बाद FIR दर्ज नहीं हो रही थी इसलिए रोष में जो है तमाम पहलवान जो है पहलवान जंतर मंतर पर पहुंच गए। लगातार तीसरे दिन से उनका जो धरना प्रदर्शन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चूंकि सारे पहलवान पहुंचते हुए नजर आते हैं, वहां पर बताया जाता है कि 7 महिला पहलवानों की तरफ से जो है शिकायत दी गई है और उसमें एक माइनर पहलवान भी थी जब वो घटना जो है घटित हो रही थी। इस पर पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, दोनों दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार को जो है नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार जो है वो जवाब जो है नोटिस का देती हुई नजर आएगी कि किस तरह की कार्रवाई जो है अब तक उनके पास जो है की गई है। तो शुक्रवार तक का इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का रुख जो है FIR को लेकर जो है करता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बीच जो समर्थन है वो पहलवानों को धीरे धीरे करके जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि कुछ नेता जो है अलग अलग पार्टियों के वो भी जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्कुल स्पर्श आपका रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। इसी से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें, खिलाड़ियों के धरने पर CM मनोहर लाल का बयान सामने आया है और कमिटी जांच कर रही है, ऐसा CM मनोहर लाल कहते हुए नजर आए हैं। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, ये CM मनोहर लाल का इस वक्त का बड़ा बयान। खिलाड़ियों के धरने पर बोले हैं CM मनोहर लाल और उन्होंने कहा है कि कमेटी जांच कर रही है और दोषी कोई भी हो उसे बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। CM मनोहर लाल का ये बयान सामने आ चुका है और खिलाड़ियों के धरने पर बोले हैं CM मनोहर लाल। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता स्पर्श का। स्पर्श, जैसा कि इस वक्त का बड़ा अपडेट हमने आपको बताया है, तमाम जनता टीवी देखने वाले दर्शकों को बताया है कि CM मनोहर लाल ने भी अब ये स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बड़ा बयान है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो खिलाड़ी इस वक्त जंतर मंतर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, चाहे जो विनेश फोगाट की बात की जाए, साक्षी मलिक की बात की जाए या फिर बजरंग पुनिया की बात की जाए, वो हरियाणा से संबंध जो है कहीं ना कहीं रखते हुए नजर आते हैं। और अभी भी जो खाप पंचायतें यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कि जिनसे कल इन पहलवानों ने माफी मांगी थी पिछले धरने के दौरान उनको एंटरटेन ना करने के लिए, तो ऐसे में क्या ये प्रदर्शन बड़ा ना हो जाए इसलिए जो तमाम खिलाड़ी है वो माफी मांगते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी कानून होगा उसके मुताबिक जो है कार्रवाई की जाएगी, रिपोर्ट का इंतजार भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ जो है नजर आना चाहिए, ये खिलाड़ी जो है कहीं ना कहीं उसका भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि खिलाड़ी ये चाहते हैं कि जो ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी उसको 1 महीने के अंदर कहा गया था कि वो रिपोर्ट जो है देती हुई नजर आएगी, लेकिन 3 महीने से ज्यादा हो गए अभी तक जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री का बड़ा बयान है कि वो भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं देखरेख में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति की अगर बात कर लेते हैं जंतर मंतर पर, तो खिलाड़ी जो है एज इट इज धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। 72 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, कितना और लंबा ये धरना चलता हुआ नजर आएगा
क्या खिलाड़ियों की जो मुख्य मांगे है कि WFI के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, जल्द से जल्द कितनी जल्दी पूरी होती हुई नजर आ सकती है या फिर किस तरीके से आगे जो चीजें देखने को मिलती हुई नजर आएगी, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अब से कुछ ही देर बाद उसमें जो है चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, तो 3 महीने का लंबा वक्त बीत चुका है, अभी तक इन खिलाड़ियों को पहलवानों को न्याय नहीं मिला है, तीसरे दिन भी आज धरना प्रदर्शन जारी है, क्या खेल मंत्रालय से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक कुछ? देखिए अभी खेल मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जब मैंने बजरंग पुनिया से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनके कुछ कॉल आए थे, हालांकि वो पूरी तरीके से उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि किस जो चीज़ है किन तथ्यों को लेकर जो है बातचीत उन पर जो है होती हुई नजर आई थी। और कल देर रात को भी जो साई के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर जो है पहुँचते हुए नजर आए थे, निश्चित तौर पर उसमें बातचीत हुई होगी कि किस तरह की मांगे जो है पहलवानों की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, चूंकि एक कमेटी बनाई गई है, WFI के इलेक्शन को जो है टाल दिया गया है, ये सब जानकारी भी यहाँ पर जो है ऑफिशियल तौर पर उनकी तरफ से जो है दी गई होगी, तो निश्चित तौर पर चीजें जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो तस्वीरें हैं जिन पहलवानों ने जो है देश का नाम रोशन किया है, वो अगर इस तरीके से जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए बैठे हुए नजर आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो है सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है। अब इसका संज्ञान किस तरीके से लिया जाएगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श, तो पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दंगल पार्ट 2 तीसरे दिन भी जंतर मंतर पर ये होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, WFI के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग लगातार इनकी तरफ से की जा रही है।